हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्या करेंगे, आरएमएस 2023 का पेपर करेंगे सॉल्व, है ना। ओके, चारों सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ये हम पहला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का सॉल्व करते हैं। इंडिया डैश एवरी वन टू डू हिज हर और हिज और ड्यूटी। आंसर क्या होगा बेटा, एक्सपेक्ट होगा आंसर हमारा क्या, ये आंसर होगा। नंबर सेकंड क्या है, इसमें पूछा गया है चूज द रिप्लेस, इसमें बताना है कन्फेस का, सिनोनिम बताना है इसका, साइनो बताना है। यहाँ पे देखो डिनाई और यहाँ पे रिफ्यूज क्या है, इसके एंटोनियम है, ये दोनों के दोनों सिमिलर वर्ड है, इसके सिमिलर वर्ड है रिफ्यूज और डिनाई के। आंसर क्या होगा हमारा, एडमिट होगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, दे वर एंग्री विद डैश फॉर दियर सिली मिस्टेक। इसमें क्या पूछा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा है बेटा, इसमें क्या पूछा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ, ही हैज डैश नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। आंसर क्या होगा, लिटल होगा, ठीक है ना। ओके, ये पूरा का पूरा बड़े अच्छे तरीके से पेपर सोल्व करवाया जाएगा। इसके बाद पहले मैं इसकी आंसर की दे देता हूँ आप लोगों को, है ना, पूरी की पूरी आंसर की दे दी जाएगी पूरे पेपर की। प्लीज बी क्वाइट डैश आई डैश क्या आएगा इसमें, देखो ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, यहाँ पे किस सिचुएशन है, यहाँ पे प्रेजेंट की है, तो क्या आएगा, आई एम वर्किंग। अगला क्वेश्चन किस सिक्स है, डैश कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है बेटा, एक्सक्लेमेशन होता है यहाँ पे, है ना, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्पीकर विल बी कमिंग डैश कार, क्या आएगा, बाई कार आएगा, क्या आएगा आंसर बेटा, बाई कार। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे, मंडे के साथ क्या आता है बेटा, फोन यूज किया जाता है, हैव यू सीन डैश रुपीज, क्या आएगा, ए रुपी आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, क्या पूछा गया है, पोलाइट का यहाँ पे एंटोनियम क्या होगा, पोलाइट का एंटोनियम क्या होगा बेटा, रूड होगा, क्या होगा बेटा, रूड होगा। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है, एक मिनट। ठीक है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिन्होंने पूछा है वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, प्रॉमिस होगा। अगला क्वेश्चन 12th क्या बेटा, माय फ्रेंड डैश हिज पर्स लास्ट नाइट, क्या आएगा इसका, लास्ट नाइट आ रहा है तो पास की आ रही है, दोस्त आएगा। अगला क्या है बेटा, द किड इज लर्निंग टू प्ले, क्या आएगा, तो द वोलिन आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, इसमें पूछा गया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन पूछे गए बेटा, इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट के क्या है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को, तो आंसर क्या हमारा क्या आ सकता है, सेंटेंस हमें क्या करना है बेटा, रीअरेंज करना है, यहाँ पे क्या करना बेटा, रीअरेंज करना है, तो आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा डी ई सी ए बी, क्या होगा हमारा आंसर, डी ई सी ए बी, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देखिए, फिर मैं बात करता हूँ, डी यहाँ पे क्या है, द स्टोर, यहाँ पे क्या बेटा, द स्टॉर्म क्या है, द स्टॉर्म रॉक्ड यहाँ पे द शिप वायलेंटली, क्या होगा, शिप वायलेंटली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीअरेंज करना है वर्ड्स को, मीनिंगफुली बनाना है हमें, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 15 क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, इसमें हमें क्वेश्चन को रीअरेंज करना है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे दे, यहाँ पे डी, दे आर नॉट, दे वर नॉट यहाँ पे तो बी होगा, ठीक है ना, दे वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे, देखो ये आंसर आ रहा है क्या हमारा, डी बी ए
ये आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फटाफट देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसमें हमें बताना है क्या, मीडियम बताना है, ठीक है ना, मीडियम बताना है। ओके देखिए, आप यहाँ बताना है इडियम किसका किसका होता है, एन इनोसेंट एज बेबी, ठीक है ना। इनके कोई इनकी कोई भी इडियम होते नहीं है। इन्होंने पूछा है चैरिटेबल क्या हो यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे स्वादिष्ट होगा, ठीक है ना, ये स्वादिष्ट नहीं होता, इसका मतलब इसका क्या पूछा गया है। ओके सॉरी, यहाँ पे डेलीशियस मतलब क्या होगा बेटा, स्वादिष्ट होता है, इन्होंने पूछा गया तो, ठीक है ना। द मदर डैश फूड फॉर अस एवरीडे, तो एवरीडे आ रहा है यहाँ पे, कुक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, एडवाइस का सुनो ने पूछा गया है, एडवाइस का सिनोनिम क्या होगा बेटा, कौन से होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा स्पेलिंग बतानी है, एप्रिसिएशन की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पे, एप्रिसिएशन की स्पेलिंग क्या होगी बेटा, क्या देखिए एप्रिसिएशन की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है ना। बी आंसर होगा हमारा, क्या होगा बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे टेररिस्ट, यहाँ बताया द टेररिस्ट डेड डैश डेड बाय द कॉप, यहाँ पे क्या आएगा, बहुत शॉर्ट आएगा, क्या आएगा, बहुत शॉर्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द मिस्टर चटर्जी वांट्स टू बी डैश एमएलए, एमएलए यहाँ पे एमएलए आ रहे हैं, एमएलए, ठीक है ना, एमएलए, किसकी किसकी ध्वनि आ रही है यहाँ पे, स्वर की ध्वनि आ रही है, एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बेटा, 28 क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोनाउन बताना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, बिल्कुल देवर एंग्री विद डैश डियर सिली मिस्टेक, बिल्कुल रिपीट किया गया क्वेश्चन सेकंड टाइम यहाँ पे। देखिए इसका आंसर क्या हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है, दे का देमसेल्फ होगा। अगला इसमें रीअरेंज करना है सेंटेंस को, क्या करना बेटा, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। देखिए तो रीअरेंज कैसे करते हैं, है ना, तो रीअरेंज करना है यहाँ पे, आंसर क्या होगा। देखिए बेटा यहाँ पे जो आंसर हमारा क्या होगा, ए आंसर होगा हमारा, क्या होगा आंसर इसका, ए आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए सी सी यहाँ पे क्या है, इट इज, क्या होगा, इट इज, यहाँ पे इट इज ए नेचुरल, इट इज ए नेचुरल, यहाँ पे इट इज ए नेचुरल अब नेचुरल प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्टेड, देखिए प्रोटेक्टेड होम फॉर टाइगर्स, ठीक है ना। ओके अगला क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, ये बताना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होती है। मैंने कहा दो स्टेटमेंट होती है, क्या होती है बेटा, स्टेटमेंट होती है नेगेटिव और यहाँ पे अफर्मेटिव, ठीक है ना। अगला पूछा बेटा क्या पूछा है यहाँ पे, डिसाइड का जो यहाँ पे एंटोनियम क्या, सिनोनियम क्या होंगे, चारों के चारों सिनोनियम, सिनोनियम क्या होते हैं बेटा, चारों के चारों सिनोनियम, सिनोनियम ही होते हैं। स्पेल्ट पूछी गई है कि यहाँ पे होरोस्कोप की स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन सी होगा आंसर, क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। तो देखिए बेटा इसमें हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। इसमें सेटिस्फेक्शन की जो क्या पूछी गई है, पूछा गया बेटा सिनोनिम, पूछा गया यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का सिनोनिम क्या होगा बेटा, कंटेनमेंट होगा, क्या होगा बेटा, कंटेनमेंट होगा। अगला है करेजियस का सिनोनिम क्या होगा बेटा, ब्रेव होगा, क्या होगा, ब्रेव होगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है बेटा, 31 दिया है, चूज अ सुटेबल एक्सप्रेस ए बिल्डिंग फॉर द स्टोरिंग 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 एसिड रेन, यहाँ पे इसका वन वर्ड पूछा गया है, ग्रीनरी आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रीजर इज बरीड डैश कोकोनट ट्रीज, तो क्या आएगा, अंडर द ट्रीज आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क्यूज का जेंडर पूछा गया है, मार्क्यूज का मार्च्यूजनेस होता है, क्या बेटा, मार्च्यूनेस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बेटा देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है बेटा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक, सुटेबल चॉइस बतानी है यहाँ पे, द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज डैश डैश स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, क्या आएगा बेटा, क्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, 35 क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा यहाँ पे, 35 क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, क्या क्वेश्चन दिया गया है, रोज इज, तो यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो सकता है हमारा, क्योंकि क्या होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये यह होगा, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, ये बाद में बात करता हूँ यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है, देयर वो देयर इज डैश वो
वॉटर इन द बोटल क्या आएगा, सम वॉटर आएगा, क्या आएगा, सम वॉटर। ठीक है ना, अगला देखिए, यहाँ पे सेंटेंस को क्या करना है बेटा, सेंटेंस को क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ठीक है ना, यहाँ रीअरेंज हो गया हमारा 37, ये भी रीअरेंज करना है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, देखिए क्वेश्चन का, इसको रीअरेंज कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिए ही इज राइट, यहाँ पे ही इज राइटली, ही इज राइटली, यहाँ पे देखना ही इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, डी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, पहले डी से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, यहाँ पे कंपलसरी का क्या पूछा गया, यहाँ पे कंपलसरी का यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है कंपलसरी, यहाँ पे बेटा क्या है, फोस्ट, क्या होगा, फोस्ट। माई सिस्टर डैश फॉर फ्रॉम मेरठ, मेरठ रिसेंटली, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 39 में यहाँ पे क्रोस्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, क्रोस्ड। ठीक है ना, अगला देखिए, डू यू सी, डू यू सी, यहाँ पे डू यू सी डैश ब्लू स्काई, तो क्या आंसर होगा बेटा, यहाँ पे हमारा द होगा, आर्टिकल द भरा जाएगा यहाँ पे, द आर्टिकल होगा, ही कैन डैश, ही कैन फ्लाई डैश एरोप्लेन, तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे क्या आंसर होगा बेटा, एन एरोप्लेन, है ना, एन एरोप्लेन। यहाँ पे देखिए, बदू इज वरिड, वरिड डैश द टेस्ट बिकॉज शी थिंक्स दैट विल फेल द टेस्ट, क्या आएगा, अबाउट आएगा आंसर, अबाउट आएगा, क्या आएगा आंसर बेटा, अबाउट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताना है इसका, यहाँ पे देखो इसने क्या दिया, एग्जामिनर ने नरेशन दे दिया, जो कि नरेशन नहीं है बेटा, ये पेशी वॉइस है, क्या बेटा, पेशी वॉइस है यहाँ पे, है ना, तो क्या आएगा, वी हैव, मैंने कहा था ना यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो क्या है द एक्सरसाइज, यहाँ पे भी आंसर होगा द एक्सरसाइज हैज, आवाज आए तो बीन लगेगा उसके साथ में, क्या लगेगा, बीन, दो में दे रखा है वहां पे, यहाँ पे बट इसको यूज गलत कर रखा है यहाँ पे, है ना, ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है यहाँ पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्या पूछा है, ब्लॉक लेटर यहाँ पे इग्नोर का, इग्नोर को रिप्लेस करना है, इग्नोर मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ओवरलुक होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या पढ़ना बेटा, प्रीपोजिशन फिल करनी है, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है, तो आंसर क्या हो बेटा, आई विल मीट हिम डैश सैटरडे, सैटरडे के साथ क्या आता है, ऑन यूज किया जाता है। अगला पैसेज दिया बेटा, पैसेज दिया गया है, तो पैसेज में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ अचेंद्री, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, वो तो क्या चाहती थी, माउंट एवरेस्ट पर एक दिन जाना चाहती है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पे क्या करना चाहती हो, जाना चाहती है, ठीक है ना, वो एक्सपेक्टेशन कर रही है, पार्ट ऑफ एन एक्सपेंडिंग एक्सपेक्टिंग एक्सपीडिशंस ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती है एक दिन, ठीक है ना, वो कंप्लीट करेगी। इसके बाद में क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे विच माउंटेन बचेंद्री बचेंद्रीज होम टाउन, यहाँ पे क्या आएगा, हिमालयाज, क्या आंसर होगा बेटा, यहाँ पे हिमालयाज आंसर होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे हिमालयाज आंसर होगा। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए क्या होगा, हिमालयस, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, बाय द हिमालयस टावरिंग, ठीक है ना, अरे सराउंडिंग बाय द हिमालयस टावरिंग अराउंड हर होम टाउन, ठीक है ना, होम टाउन क्या पे बेटा इसका, हिमालयस। अगला है, व्हाट व्हाट वाज द रिएक्शन बचेंद्री बचेंद्रीज फैमिली रिगार्डिंग हर चॉइस कैरियर, ठीक है ना, तो हिज हर फैमिली वॉज नॉट हैप्पी, यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहती, देखो या बचेंद्री स्टोरी स्टैंड्स एन एग्जांपल हाउ गोइंग अगेंस्ट योर योर फैमिलीज विशेस कैन बी हार्ड बट इम्पोर्टेंट फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है ये, इसके लिए
उसने किया। व्हाट डिड सी वांट टू बिकम एन ऑन ग्रोविंग अप? इसका आंसर क्या होगा बेटा? प्रोफेशनल क्लाइंबर होगा, माउंटेन क्लाइंबर होगा। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है ना। ओके अगला देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा। व्हाई डिड सी रिसीव ए लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट? व्हाई डिड सी रिसीव ए लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट? यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? बिकॉज सी वॉज ए गर्ल, बिकॉज सी वॉज वीक, बिकॉज सी वॉज इनकैपेबल, ओके, बिकॉज हर फैमिली डिड नॉट सपोर्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा? बिकॉज सी वॉज ए गर्ल, है ना। बेटा इंग्लिश का पेपर हमने पूरा का पूरा सोल्व कर दिया। यहाँ पे अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, जीके की बात करेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? क्या आएगा बेटा? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड क्या आएगा? बैकाल आएगा, बैकाल लेक है। क्या बेटा? बैकाल लेक है, ठीक है ना। इनमें अभी बात करें, विच ऑफ दिस नॉट पार्ट ऑफ द फाइव लेयर दैट फॉर्म अर्थ एटमोस्फियर? क्या आएगा? थर्मोस्फियर होता है, एक्सोस्फियर होता है बेटा, ट्रोपोस्फियर है। ओनली क्या नहीं होता? हाइड्रोस्फियर नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या है, हुसैन आना चाहिए थे यहाँ पे, हुसैन लिख दिया। हुसैन बोल्ट कहाँ के थे बेटा? यहाँ पे क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंडर्ड, यहाँ पे बेटा आंसर क्या आएगा? जमैका के थे। इसके कहाँ के थे बेटा? जमैका के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे मलयालम है वो कहाँ की लैंग्वेज है बेटा? मलयालम है बेटा कहाँ की है? केरला की है। कहाँ की बेटा? यहाँ केरला की है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, मतलब हु वॉज द वुमेन गो टू स्पेस? आंसर क्या होगा हमारा? यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 55, ये 56 क्वेश्चन क्या बेटा, देखिए यहाँ पे 56 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड? क्या आएगा? ब्राजील आएगा। क्या आएगा आंसर हमारा? ब्राजील आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा हमारा आंसर? ब्राजील होगा। अगला पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर बेटा? मुंबई में है, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे बेटा? मुंबई है। अगला क्वेश्चन है कि बिल्कुल विच इज नॉट शेड्यूल द लैंग्वेज ऑफ एंड इंडिया, मतलब शेड्यूल क्या को नहीं। देख लैंग्वेज कितनी होती है, 22 होती है, संथाली भी होती है, डोगरी भी होती है, बोडो, यहाँ पे मुंडारी नहीं होती, ठीक है ना। ओके तो देखिए बेटा यहाँ पे 59 क्वेश्चन क्या है कि जो फादर्स डे है वो जो मनाया जाता है वो कौन से वीक, जो जो डे होगा वो कौन सा होगा, ठीक है ना। तो सेकंड होगा, सेकंड ऑफ मई, मई मतलब 10th, यहाँ पे 10th मई का होता है, ठीक है ना, 10th या 8th मई को, ठीक है ना। ओके यहाँ पे देखिए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? एशिया होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, 61 पे, 1975 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है ना। कौन थे बेटा यहाँ पे, देखिए कौन थे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए बेटा फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है ना। ओके अगला क्वेश्चन क्या है, विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबिया? तो पे क्या आएगा बेटा? कोची आएगा। क्या आएगा बेटा? कोची, जो कि कहाँ पे है? यहाँ पे ओडिशा में है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं बेटा? एक मिनट, सॉरी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाता है बेटा? कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कॉस्मोलॉजी बोला जाता है यहाँ पे। कि देखिए इज एज कंसिडर फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो क्या आएगा बेटा आंसर हमारा? यहाँ पे क्या आ सकता है? विक्रम साराभाई थे। क्या थे बेटा? विक्रम साराभाई। हाउ मेनी हावर्स इन मतलब आप 1 आवर में कितने होंगे? 60 मल्टीप्लाई 60, आप आंसर निकाल लीजिए। आंसर क्या होगा बेटा? 3600 सेकेंड होगा। अगला देखिए नंबर क्या है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
है ना, कि भारत की संविधान का विचार सबसे पहले किसने रखा था, एम एन रॉय ने। क्या आएगा आंसर हमारा, एम एन रॉय। क्या आएगा बेटा, एम एन रॉय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द G20 समिट एट द दिल्ली इन। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन आएगा यहाँ पे, इमैनुअल मैक्रोन आएगा। ठीक है ना, ओके, इमैनुअल मैक्रोन आएगा यहाँ पे। क्या आएगा आंसर, इमैनुअल मैक्रोन आएगा। ठीक है ना। ऑन द डेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व। ठीक है ना, ये सेट बी कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। कौन सा बेटा, सेट बी है। ठीक है ना, सेट बी है यहाँ पे। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे क्या आएगा बेटे, यहाँ पे 11 जुलाई। क्या आएगा आंसर, 11 जुलाई आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एनआरआई, एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या आएगा बेटा, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन होगा। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी बेटा, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी बेटा। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, किरण बेदी आएगा आंसर। क्या आएगा बेटा, किरण बेदी। है ना, क्या होगा बेटा यहाँ पे, किरण बेदी होगा। ठीक है ना, क्या होगा बेटा यहाँ पे आंसर, बेटा यहाँ पे क्या होगा, किरण बेदी होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। क्या आएगा, किरण बेदी। अगला क्या है, भारत में सबसे बड़ा वन किस राज्य में, मतलब विच स्टेट ऑफ द हैज द लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर्ड। कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बेटा जंगल से भरा हुआ है पूरा का पूरा, जो कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है बेटा, 21 जून को मनाया जाता है यहाँ पे। है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पे सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आया था कि ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है यहाँ पे, वीनस है बेटा यहाँ पे। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, वीनस होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे देखिए, देन सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय थे, वो किस रिलेटेड थे, ब्रह्मो समाज से। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज से रिलेटेड थे। ठीक है ना, आर्य समाज का उन्होंने क्या किया था, वो फाउंडर थे वहाँ पे। ठीक है ना। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है बेटा, दिल्ली आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग द सिटीज इन इंडिया, इंडिया नॉट लोकेटेड इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, रोड नेटवर्क, रोड नेटवर्क। तो आंसर क्या होगा बेटा, इनमें देखो ये सारी की सारी क्या है बेटा, यहाँ पे ये अलग है। ठीक है ना, स्टेट है सारे के सारे यहाँ पे। क्या बेटा, एक ही यूनियन टेरिटरी, एक ही चंडीगढ़ का, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी पर ये नहीं होगी। तो आंसर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है ना, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ पे बात करते हैं, रिंगवॉर्म इज द डिजीज, रिंगवॉर्म किस मतलब किसकी डिजीज, यहाँ पे, यहाँ पे फंगल आएगी, फंगस। ठीक है ना, ओके। अगला देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा ओशन होगा बेटा यहाँ पे, कौन सा होगा, पैसिफिक ओशन होगा यहाँ पे। क्या होगा बेटा, पैसिफिक ओशन होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस टावर इन पेरिस फ्रांस। यहाँ पे क्या आएगा, एफेल टावर। कौन सा होगा बेटा यहाँ पे, देखिए क्या आंसर होगा, ईफेल टावर। अगला क्या है बेटा, व्हाट कलर द सिंबल ऑफ पीस, पीस का सिंबल क्या है बेटा, व्हाइट होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, ईफेल टावर होगा। कि व्हाट कलर द सिंबल पीस, पीस का सिंबल क्या बेटा, व्हाइट होता है। पीवी सिंधु है उससे रिलेटेड है बेटा, पीवी सिंधु है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है ना। वेर इज द गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क बेटा कहाँ पे है बेटा, गुजरात में है। कहाँ पे बेटा, गुजरात में है, यहाँ पे किस, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज द डिजीज ऑफ मोतियाबिंद, किसका डिजीज है बेटा। यहाँ पे मोतियाबिंद आइज का डिजीज, आइज की डिजीज होती है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा, ब्लड क्लोटिंग होती है। क्या होती है बेटा, ब्लड क्लोटिंग होती है। यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, ब्लड क्लोटिंग होगा। हु वाज द फर्स्ट, वाज द साइंटिस्ट गॉट टू नोबल प्राइज ऑफ विच वाज द पीस। कौन थे ऐसे जिन्होंने, जिनको
पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था यहाँ पे, किसको दिया गया था बेटा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? एच जी खुराना, ठीक है ना, एच जी खुराना, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, विश्व विच इज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, देखिए फटाफट से, चाइना सिविलाइजेशन था, कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा था बेटा यहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी रिवर है बेटा? नाइल रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर अमेजोन हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम बात करें व्हाट इज द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द, यहाँ पे रिटायरमेंट की पूछी थी, यहाँ पे ज्वाइनिंग की नहीं पूछी, रिटायरमेंट की कितनी होती है बेटा? 65 होती है यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं जो जो साइंस ऑफ, तो बात करें साइंस ऑफ ड्रॉइंग मैप, मैप की स्टडी को क्या बोला जाता है? मैप जो बनाता है, मैप को के बारे में बताता है, वो क्या आएगा बेटा? कार्टोग्राफी, जो कार्टोग्राफर भी होता है, ठीक है ना। अजंता पेंटिंग रिलेटेड टू, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? बुद्धिज्म आएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था जहाँ से मैंने करवाया हुआ था, ठीक है ना। बुद्धिज्म आएगा। लिंगराज टेम्पल है बिल्ड कहाँ पे बेटा यहाँ पे? लिंगराज टेम्पल कहाँ पे बेटा यहाँ पे? कहाँ पे है? बात करते हैं इसका आंसर क्या आएगा, भुवनेश्वर आएगा। क्या आएगा बेटा? भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, बाय विच द नेम ऑफ द मेन मेन ब्रांच ऑफ द रिवर गंगा इज नोन एज, कौन सी रिवर, मतलब मेन रिवर मतलब बांग्लादेश में यहाँ पे? हाँ बात करते हैं कौन सी है, मतलब कि जो गंगा इज नोन एज द बांग्लादेश, पद्मा आएगा। क्या आएगा बेटा? पद्मा आंसर होगा। यहाँ पे बात करते हैं 94 क्वेश्चन का, अर्थ रोटेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, वी कैन से वेस्ट टू ईस्ट। क्या आएगा हमारा आंसर? वेस्ट टू ईस्ट। ओके अब बात करते हैं कि बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे बेटा? बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पे बेटा कहाँ पे दिया गया बेटा? देखते हैं, हम बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है बेटा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगरा है वो कौन सी बैंक रिवर के पास में है बेटा? आगरा है कौन सी बैंक रिवर के पास में है? यहाँ पे क्या होगा, यमुना रिवर के साथ, यमुना रिवर के पास में है। अगला, व्हाट इज द निक नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, निक नेम क्या था? गुरुदेव था। क्या था बेटा? गुरुदेव। में ये निक नेम भी आते हैं, द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड मेजरिंग द डेटमीटर्स, यहाँ पे मेजरिंग द हाइट, एनालाइजिंग, काउंटिंग द एनुअल एनुअल ग्रोथ, काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ। आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर होगा। क्या होगा बेटा? डी आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? डिब्रूगढ़ कहाँ पे बेटा? आसाम में है, ठीक है ना, आसाम में दिया गया है यहाँ पे। फिर बात करते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर कौन थे बेटा? यहाँ पे बिल गेट्स थे। कौन थे बेटा? बिल गेट्स। क्या थे बेटा? बिल गेट्स, ठीक है ना। कौन थे बेटा? बिल गेट्स, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम रीजनिंग और इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे रीजनिंग और मैथ करेंगे, ठीक है ना। ये दो पार्ट मैंने हम बनाएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। और अच्छे से पेपर को सोल्व एक बार देख लेना, ठीक है ना, दोबारा से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है ना, दोबारा से वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।